हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज अ वेरी फेमस एंड गुड न्यू सीरीज विच वी आर वर्किंग ऑन, और ये आज इसका चौथा एपिसोड है बच्चों, आप लोगों के लिए फोर्थ लेक्चर. मैं तीन लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग एस एन टी ब्लॉक आई हैव ऑलरेडी फिनिश, मतलब क्लास 11 मोटा मोटा फिनिश हो चुका है आपका, और ये है क्लास 12 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की. हम एनसीईआरटी बाय लाइन अच्छे से डीकोड कर रहे हैं, ठीक है. एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन हम समझ रहे हैं, तो वो वाला लेक्चर है ये आप सभी के लिए, ठीक है. तो अच्छे से लाइन बाय लाइन समझिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो जल्दी ही सारे बच्चे आ जाओ, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी वेरी गुड एनर्जेटिक स्टार्ट लेते हैं अब अपन अब सेशन को, और जल्दी से सारे बच्चे अपने दोस्तों के बीच लाइक और शेयर करते इस वीडियो को. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज समथिंग अबाउट मी, दिस इज मी फॉर यू. आप मुझे अच्छे से जान जाओ एंड वी विल रॉक ऑन केमिस्ट्री, है ना. जल्दी से आ जाओ और केमिस्ट्री को रॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं. नीट 2020 को लेट्स क्रैक इट, ठीक है. So we need to do, let's crack it, crack, you have to crack the NEET and get the best All India rank and get the best college, what you dream. तो अगर आपको सही में चाहिए, अगर आप एक serious aspirant हैं, तो आप Unacademy के learning app पे आओ, मैं वहाँ पे भी आपको पढ़ाता हूँ. वहाँ पे एक best environment है जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं with your potential. आप अपने पोटेंशियल को बूस्ट अप कर सकते हैं वहां पे. बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर वर्किंग देयर, आर बीइंग मींस वो अपना टॉप क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा आपको सारे बच्चों के बीच जो बस पढ़ना चाहते हैं, और एक इंटरेस्टिंग चिटचैट सेशन जैसे क्वेश्चन आंसर, डाउट सॉल्विंग सेशन, हर एक चीज. मतलब आपने जैसे दो लेक्चर थ्री लेक्चर्स यू हैव अटेंडेड, आफ्टर दैट डाउट डिस्कशन सेशन विल बी देयर. After each and every three class, doubt discussion session will be there in a plus course. So, आपको NEET 2020, NEET 2021, इनके courses मिल जाएंगे, मेरे courses मिल जाएंगे. तो आपको करना क्या है मुझसे, बस ये करना है, Unacademy तो की है इंडिया का बेस्ट लर्निंग ऐप, इन्हें इंस्टॉल करो और जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पर, जहाँ पे आपके पास सामने प्लान्स हैं. प्लान्स हैं आपके 1 month, 3 month, 6 month और 1 year और 2 year का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल प्लान्स आर देयर, जिससे आपको जब भी आप HJLI कोड यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट. प्लस के बहुत सारे प्लस फायदे हैं इसमें, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, प्लस आपको कहीं नहीं जाना, टेस्ट सीरीज वहां पे मिलेगी आपको, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं. कभी होता है कि हम कभी कभी ऑफलाइन में ये ड्रॉबैक होता है कि हमारी क्लास छूट गई तो हमें कोई समझाने वाला नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, सपोज इफ यू मिस द क्लास द रिकॉर्डेड वर्जन विल बी देयर, कहीं नहीं जाना, वो रिकॉर्डेड वर्जन वहां पे रहेगा, ठीक है. तो जल्दी आ जाओ, ज्वाइन कर लो, यूज द कोड HJLI जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. फॉर 2021 इसको शूट करो, 2022 वाले इसको शूट डाउन करो और जल्दी आ जाओ ज्वाइन करने, और मुझे फॉलो जरूर कर लें Unacademy लर्निंग ऐप पे. मेरा नाम सर्च करो तो मैं मिल जाऊंगा, मेरे वहां पे प्रोफाइल में आपको प्लस सेक्शंस, स्पेशल क्लासेस सेक्शन विल बी देयर. स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस विच आर प्रोवाइडेड बाय Unacademy, जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आपके पास कुछ रिवार्ड पॉइंट्स आ जाएंगे. कुछ उन रिवार्ड पॉइंट्स को जितना ज्यादा आप स्पेशल क्लास यूज करोगे तो रिवार्ड पॉइंट्स आएंगे. रिवार्ड पॉइंट्स आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें वो कैंसिल आउट हो जाएगा उतना अमाउंट, ठीक है. सो वॉच एज मच एज पॉसिबल स्पेशल क्लास, टेक द सब्सक्रिप्शन एंड जॉइन अस टू दिस इंडियाज लर्निंग रेवोल्यूशन, ठीक है. चलिए, कीप लाइक कीप शेयर, और हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टार्ट करें अब. सब लोग रेडी हैं? एवरीवन इज रेडी? एक बार यस बोल दो कमेंट सेक्शन में. एवरीवन इज रेडी? सब लोग आ गए हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शुड बी स्टार्ट नाउ. बिगिन विद द सेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. यस और नो, आर यू ऑल रेडी? जल्दी से बी रेगुलर यार. 5, 7, 8, 7 to 8 लेक्चर सीरीज है ये. इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये मान के चलो, तो तुम्हें ये मान के चलना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80 to 90% क्वेश्चंस विल गोइंग टू कम फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस. दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस से ही आने वाले हैं, ठीक है भाई. चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पास अपन बात करते हैं एंड चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है भैया? सबसे पहले आई थी वन थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी अभी आई थी 1919 में। हाँ ओके ओके। ही प्रिपेयर्ड स्टडी ऑफ दीज, और वर्नर ने क्या करा, वर्नर ने एक जब भी कंपाउंड्स बनाए थे जो जनरली देखो यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड्स मिलेंगे आपको, डी ब्लॉक कंपाउंड्स, ठीक है, डी ब्लॉक कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छी, ठीक है। अब इनमें दो तरीके की वैलेंसीज होती है, दो तरीके की वैलेंसी होती है हर एक कंपाउंड में, इन्होंने डिफाइन करी थी अकॉर्डिंग टू वर्नर। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या क्या होता है बच्चा इनका, मतलब जल्दी से बताओ कौन सी होती है प्राइमरी, कौन सी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी और क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जो वर्नर ने डिफाइन करी थी, ये आना चाहिए अपने को, समझ आना चाहिए। बताइए, कमेंट करके बताइए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या होगी, कौन कौन सी होगी, जल्दी से बता दो। नहीं मतलब क्या होता है इनका, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी बताओ। तो ओके, ये जैसे K4FeCN6 है, सपोज दिस इज अ कंपाउंड आई हैव, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, जल्दी से जल्दी से एग्जांपल मतलब बताओ कमेंट करके आंसर। K4FeCN6 होल्स राइट, एफ ही है, आयरन है, आयरन मैन, आयरन वाला आयरन, आयरन मैन वाला आयरन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट 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 आंसर्स बाय द ग्रेट लर्नर्स। प्राइमरी इज +2 एंड सेकेंडरी इज +6। सेकेंडरी वैलेंसी जनरली ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है यहाँ पे +2, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो है वो यहाँ पे है 6+6। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखा गया, यहाँ पे इस हिसाब से फॉर्मूला भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग इस पॉइंट को, एक एक करके सब बच्चे ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को मैं जो यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वन मोल आपका ये कंपाउंड के बने, यहाँ पे वन मोल ये के बने, वन मोल सी इसको ये देता है 3 मोल AgCl। अब आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज में क्या क्या सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या सेकेंडरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल है, यस और नो, इज सेकेंडरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल और नॉट, क्या सेकेंडरी वैलेंसीज आयनाइजेबल है, यस और नो। नो, जैसे मान लीजिए ये K4 है, तो K4 मैंने ये एग्जांपल जो दिया था तो इसमें आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका सेकेंडरी वैलेंसीज, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका सेकेंडरी वैलेंसीज। तो आपको मैं इसमें ये बात समझा देता हूँ, ये सेकेंडरी वैलेंसीज तो थी यहाँ पे, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं ये समझा देता हूँ कि अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो टोटल आयंस कितने मिलने वाले हैं इस एक्वस सॉल्यूशन में, टोटल आयंस अगर अपन इसको डिसोसिएट करेंगे तो कितने आयंस मिलने वाले हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बताओ जल्दी से, टोटल आयंस कितने मिलने वाले हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इफ आई डिसोसिएट देम टोटल आयंस कितने मिलने वाले हैं, जल्दी से बता दो। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो टोटल आयंस कितने मिलेंगे, 5 दिख गए सभी को, 5 बस, 5 आपने क्यों कहा 5, आपको पता है कि ये तो फ्री है, तो ये तो बन गया 4K+, और ये इसका एक आयन, तो मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है ये आयनाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज द कंपाउंड, अब देखो यहाँ पे वही कर रखा है कि भाई 1 ये 3 पार्ट ये, तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1 पार्ट ये 2 पार्ट ये, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इनके जो मेजर पोस्टुलेट थे इस थ्योरी के वो क्या कहते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज,
The primary valencies are normally ionizable and are satisfied by the negative ions. Understood the point? जो primary valencies होती है वो क्या होती है? Ionizable होती है, जो square bracket के बाहर वाला part वो जो बोला है. And the secondary valencies are non-ionizable and are satisfied by neutral molecules or negative ions. And are satisfied by neutral molecules or negative ions. ठीक है, समझ आई बात? The secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal. The secondary valency is fixed for the coordination number and it will be fixed for a metal. जो हमने अभी बताई है वो कभी change नहीं होती है. ठीक है, एंड हाउ वी कैन डिनोट है, दैट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी होगी भाई. पैलेडियम का मान लो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो पूरा इसके अंदर ये आपका इस तरीके से मान लो 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये बोल रहा है कि भाई 2 AgCl बनेंगे, 2 मोल प्रेसिपिटेट हो रहा है, 2 मोल AgCl बनेगा, तो 2 मोल AgCl Cl2 के साथ ही बनेगा. तो मतलब ये वाली तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ये बाहर की तरफ हो जाएगा Cl2. ठीक है, अगर उसके आगे भी उसके आगे बताते हैं, जरूर जरूर. NiCl2 और 6H2, तो यहाँ पे 2 AgCl बनेगा. तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिखना चाहिए? NiH2O होल 6 और फिर Cl2, तो ये दो वैलेंसी यहां से आएगी. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी. इसमें दो, इसमें तो जीरो है तो सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा. इसमें एक मोल है तो इसकी 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे है. इसमें भी वापस से जीरो है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. समझ आई बात? समझ आई बात? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है भाई? अपन बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो अपन अभी जो पढ़ रहे हैं. डबल सॉल्ट जैसे K2SO, पोटेश LMO को अगर आप जानते हो, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो अपन समझाते हैं. ये भी आ सकता है पॉसिबल, दैट इज बोथ बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो. बोथ डबल एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस, बोथ डबल सॉल्ट जो एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स. However, double salt इस तरीके से दिखता है आपका, और पोटेशियम ये रहा जो यहाँ पे लिखा है. बट कॉम्प्लेक्स एंड डू नॉट डिसोसिएट इन टू आयंस. कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में क्या है? डबल सॉल्ट पूरा अलग अलग हो जाएगा. डबल सॉल्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का टेस्ट देगा, है ना? डबल सॉल्ट उसमें प्रेजेंट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का टेस्ट दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे देगा. कौन? डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट. ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देगा. कॉम्प्लेक्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देगा. बिकॉज आपने अभी बताया है, अपन ने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो अंदर का जो पार्ट है वो नॉन आयनाइजेबल है. जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो अंदर का पार्ट है वो नॉन आयनाइजेबल है, वो आयनाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो आयनाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकता. समझ आई बात? क्लियर है? क्लियर है फंडा? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे क्या है? तो भाई अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी मेनली क्या है? ये रही एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये रही एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो इसमें क्या होते हैं? सेंट्रल एटम होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है. जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे. ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये कैसे बिहेव कर सकते हैं? सेंट्रल एटम और आयन लुईस एसिड या लुईस बेस की तरह, जल्दी से बताओ. सेंट्रल एटम और आयन किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? लुईस एसिड और लुईस बेस, जल्दी से कमेंट करके बताएं. सेंट्रल मेटल आयन किसकी तरह, सेंट्रल एटम आयन किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह या लुईस बेस की तरह? लुईस एसिड, बिकॉज दे हैव, तो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है. और यहाँ पर जो डोनर स्पीसीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन क्राउड जो पेयर को डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन,
उनको क्या बोला जाता है, लुइस बेस बोला जाता है, ठीक है। और या मतलब आप ऐसे बोल सकते हो द लिगेंड, दे कैन बी कॉल्ड एज लिगेंड्स। द आयन और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब ये लिगेंड बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, ये लिगेंड बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड मतलब एक जगह से डोनेट कर रहा है एट अ टाइम, सिंगल डोनेशन इज देयर यूनिडेंटेड। जैसे एनएसटी एक ही साइट है, एक ही डोनेटिंग साइट है, एक ही जगह से डोनेट कर रहा है। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड मतलब दो जगह से डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेड मतलब दो जगह से डोनेट कर रहे हैं। जैसे ऑक्सलेट आयन है, तो ऑक्सलेट आयन की अगर आप थोड़ी सी पिक्चर जानते हो तो वह इस तरीके से दिखता है जिंदगी में, तो ये यहाँ से डोनेट कर रहा है बाइडेंटेड आयन, दिख रहा है आप सभी को। टू टाइप्स पॉलीडेंटेड, जो ज्यादा को डोनेट करे है ना, दो तो सबसे इम्पोर्टेंट डोनेट कर सकता है, दो नाइट्रोजन एटम और चार ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये यहाँ पे डोनेट कर सकता है। जस्ट सेकेंड, अभी सही हो जाएगा बच्चा लोग, सब डोंट वरी, ठीक है। जिसके थ्रू ये यहाँ से डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे ले जाते हैं। फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड यूज्ड एट टू और मोर साइट, एक ही टाइम पे दो से ज्यादा साइट हो डोनेशन की पॉसिबल हो, दैट इज इट इज सेड टू बी चीलेट लिगेंड आल्सो, एंड द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंटिसिटी। एम्बीडेंटेड लिगेंड व्हिच विल हैव मोर देन वन डोनर साइट प्रेजेंट, टू डोनर एटम्स इन अ सिंगल लिगेंड, इट इज एम्बीडेंटेड। जैसे HCN माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, तो देख रहे हो यहाँ पे मेटल NO2 जो माइनस है, NO2 माइनस जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसने नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करा और यहां पे इसने ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करा, तो लिगेंड के अंदर दो डोनर साइट प्रेजेंट। नहीं आया समझ में बच्चों? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, वापस से सुनिएगा। एक ये पॉइंट यहां पे ये लिखा हुआ है कि भाई ये मेटल है और यहाँ पे मेटल ने नाइट्रोजन की साइड से, भाई कंपाउंड तो दोनों एक ही, मॉलिक्यूल तो दोनों NO2 माइनस ही है, ठीक है, बट NO2 माइनस में यहाँ पे नाइट्रोजन ने डोनेट करा, यहाँ पे ऑक्सीजन ने डोनेट करा, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेड, सिमिलर टू HCN माइनस। अगर सल्फर से डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे थाइसाइनोटेस, और अगर अगर यहाँ पे नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो थायोसाइनोटोएन। तो आपको डिस्टिंग्विश कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे एन देख के, है ना, एस लिखा है या एन लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इज अ कॉम्प्लेक्स, जितना भी आपका सेकेंडरी वैलेंसी वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे NiNH3 होल 4 है तो इसमें 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, PtCl6 है इसमें 6 हो गया, 6 है यहाँ पे लिगेंड, ये तो अपन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत बार आ जाती है, ये कुछ बच्चों क्या है, ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है जो बहुत सी जगह आप देखोगे, ठीक है। द सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है, समझ आ रही बात, हाँ। द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड कॉल्ड एज काउंटर आयन, जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, ये आउटसाइड द ब्रैकेट है, इनको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसे कैसा हो सकता है, इन इन शेप में हो सकता है, अकॉर्डिंग डिपेंड्स कि कितना लिगेंड है, कि भाई अगर 6 लिगेंड होते हैं तो आपको पता है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d2 बोलते हो आप जनरली। ऑक्टाहेड्रल 4 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल, अगर वो 4 लिगेंड का कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये आता है जनरली DSP2 हाइब्रिडाइजेशन से, ये आता है जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। टेट्राहेड्रल एज वेल एज व्हाट, टेट्राहेड्रल एज वेल एज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये रहा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दिख रहा है आपको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इनको बोलते हैं अपन एक्सियल लोकेशंस, इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल लोकेशंस, दो दो लोकेशंस हैं स्क्वायर पिरामिडल, ये सब के सब होते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, so the oxidation number of central atom in a complex is defined as the charge it will carry, so इसमें निकालने का कोई issue नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए FeCO5 है, FeCO5
CO5 है, FeCO5। तो यहाँ बताओ मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कमेंट करके बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आप लोगों के हिसाब से FeCO5 के अंदर। जल्दी से कोशिश करो और बताओ, लाइक और शेयर करना पड़ेगा भाई, लाइक और शेयर करते रहो। नहीं बता सकते, ये सिंपल सा आंसर नहीं बता सकते, जल्दी से बता दो यार। जीरो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, प्लस टू नहीं, ये ध्यान रखें। सीओ इज योर, सीओ कैसा है, सीओ एक तरीके का न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सीओ एक तरीके का न्यूट्रल लिगेंड है। समझ आई बात, सीओ कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। सो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आ जाता है, CO हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे इनके नेमिंग भी करी गई है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग, तो उसके लिए कुछ रूल है जो फॉलो करना है, क्या क्या रूल है देख लेते हैं। सबसे पहले किसको लिखना है, द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, देन लिगेंड्स आर रिटन इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिमिलर टू योर IUPAC। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज, किस पर डिपेंड करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द लिगेंड एंड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द फॉर्मूला फॉर द एंटिटी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज आर रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, देर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल, ये तो देखो प्रैक्टिस करेंगे उसी से आएगा, ठीक है। एंड वेन द फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जैसे यहाँ पे द चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन, तो मतलब टोटल तो न्यूट्रल ही होना चाहिए, तो अपन रेदर देन गोइंग इन टू दिस, ये सबको पता है, ये वही रूल है सारे के सारे जो हम अपन पढ़ते थे ना IUPAC में, लगभग वैसे ही है, ठीक है, लगभग वैसे ही रूल है सारे के सारे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये है, ये कंपाउंड का नेमिंग है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, इसकी कंपाउंड की नेमिंग करने पे, ये देखो इस पार्ट की मुझे नेमिंग करनी है, तो ये तो न्यूट्रल है, तो कितना है अमाइन, अमाइन NH3 इज अमाइन, तो कितना है ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +3 आएगा, उसके बाद बाहर क्लोराइड, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट केस देखो, ये देखिए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, अब देखो ये कितना है 3 है, तो इसको बोला जाएगा ट्रिसिथेन 1,2-diamine, फिर कोबाल्ट 3-sulfate, ठीक है। नेक्स्ट AG, इन दोनों को कैसे लिखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको कैसे, इसका कैसे नाम लिखोगे, तो AgNH3 होल ट्वाइस, AgCN होल ट्वाइस का नाम बताओ, इनका नाम बताना है, तो इनका नाम क्या होगा आपका, इनका नाम होगा डायमाइन सिल्वर वन डाइसाइनाइड अर्जेंटेट, ठीक है, दोनों में 1-1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों में 1-1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है AG सिल्वर, ठीक है, समझ आई बात। ये सारे आपके सॉल्ड एग्जांपल हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना क्वेश्चन IUPAC से नहीं आता, आगे आएगी वो पॉइंट जहाँ से इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नाउ आइसोमेरिज्म जैसा अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आए कि स्टीरियो आइसोमर और ये सारे जितने भी आपको पता है आइसोमेरिज्म क्या क्या होते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा ना सभी को, अल्फाबेटिकल नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, देखो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो ये देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, सिस और ये रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये देखिए सिस और ट्रांस किस तरीके से बोलता है, ये ट्रांस एकदम ये अपोजिट आ गया, सिस में मतलब सेम साइड में आ गया, तो दैट विल बी सिस एंड दैट विल बी ट्रांस, 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये है। आगे अगर हम बढ़े, आगे की तरफ अगर गाड़ी को और बढ़ाया जाए, हाँ
ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ये एक यूनिक आइसोमर होता है, जैसे फेशियल और मेरीडोनल। कैसा होता है ये? इस तरीके से इस पोर्शन को बोलते हैं फेशियल। ये जो बना है, ये जो लिंकेज बनी है, दिस इज फेशियल। और ये स्पेशल केस में ही होता है। कौन सा स्पेशल केस होना चाहिए? ये वाला CONACO ABC3C3 इस केस में होता है। दो तरीके के होते हैं, फेशियल होते हैं, मेरीडोनल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर फोर में तो होता ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन फोर में, सिक्स में होता है। सिक्स में कहाँ कहाँ होता है? जैसे ये रहा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल दिया, ये लिवो रोटेटरी बोल दिया, कि कैसे बोला सुपर भाई काइरल। देखो कैसे बोलते हैं, द मॉलिक्यूल्स और आयन दैट कैन बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड काइरल। द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो दैट इज स्मॉल डी एंड लिवो दैट इज कैपिटल स्मॉल एल ऑन द बेसिस ऑफ द पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट अगर राइट हैंड साइड तो डेक्स्ट्रो बनना लिवो। अब पूछा है कि भाई इनके ये आप है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपका सॉल्ड प्लस अनसॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, सॉल्ड प्लस अनसॉल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी यू हैव टू डू। सॉल्ड एंड अनसॉल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी हमें करने हैं, सॉल्ड एंड अनसॉल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी हमें करने हैं सारे के सारे। समझ गए मेरी बात को? सारे कर देने, सॉल्ड भी अनसॉल्ड भी सारे एग्जाम्पल कर देने एनसीईआरटी के। क्लियर है ये बातें आप सभी को? मजा आ जाएगा अगर आप ये सब कर लेते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा है ना, सारे कर लेने सारे। ठीक है चलिए, यही एग्जांपल है। अब इसके अलावा, इनके अलावा ये तो नॉर्मल है जो अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब लिंकेज आइसोमर क्या होता है? लिंकेज आइसोमर क्या होता है? जो डिफरेंट लिंकेज, जो एम्बिडेंटेड अपन ने देखा था ना, कभी NCS नाइट्रोजन से लिंकेज हो जाता था, कभी सल्फर से आपका मेटल लिंक हो जाता था, तो दैट दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स अराइजेस लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखिए ये जैसे कि NCS माइनस, ये जैसे मेटल NCS को है, HCN को है, सो ये यहाँ पे देखिए NO2 है, तो NO2 कभी NO2 से अटैच हो, कभी ONO से अटैच हो, तो इनसे क्या होता है, यहाँ रेड कलर हो जाता है, अगर ONO से अटैच होता है तो येल्लो कलर हो जाता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमर की अगर मैं बात करूं, दिस टाइप ऑफ आइसोमर अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, देखो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट के पास NH3 था, क्रोमियम के पास CN था, तो पूरा इंटरचेंज हो गया। अब क्रोमियम के पास NH3 आ गया और कोबाल्ट के पास CN चल गया। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है आप लोगों की बात? यहाँ कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में तो मतलब कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, सब्जी मंडी का बाजार बनाए रखे हो कमेंट सेक्शन को। हाँ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है, सब लोग ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले हैं। हैं सर, सर ये तो सब हमें आता है, ये तो बहुत सिंपल है। ऐसा है क्या? इज इट समथिंग लाइक दैट? हाँ अरे ठीक है। अरे देखो ये इस यहाँ का इस लेक्चर का मोटा एनसीईआरटी में जो जो लिखा है वो मैं समझा दूँ ना, एनसीईआरटी से बाहर एक फंडा ना एनसीईआरटी से कम एक फंडा, सो दैट इज द मोटो ऑफ दिस सेशन। ठीक है, और अगर आपको सही में अगर आपको एकदम डीपली पढ़ना है मतलब एकदम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, वो बहुत बड़ा एक लेक्चर है मेरे पास, मैं एनसीईआरटी को डिकोड कर रहा हूँ। देखो समझो मेरी बात को अच्छे से, ठीक है, तो उसको उसमें वो कहाँ है, एक तो यहाँ पे जगह भी नहीं है बनाने का, और मैं आपको बता देता हूँ वो मेरे स्पेशल क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है, आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ हम एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे हैं, आप इसकी बात समझें। ठीक है, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा दैट इज नॉट अ मीनिंग, मैं यहीं पे से क्वेश्चन बना के फ्रेम करके, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से डाइजेस्ट कर ली तो आपको 80-90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके आ सकते हैं 80-90% मार्क्स। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है चलिए, डीपली पढ़ना है तो रोज सुबह मैं 10 बजे लेक्चर लेता हूँ, आप उसमें आइए, समझिए 10 बजे रोज डेली क्लास हो रहा है 10 बजे। ठीक है, आप उसमें आइए।
जी दिस आइसोमर आयनाइजेशन, वो तो पढ़ लिया लिंकेज। आइसो आयनाइजेशन कैसे होता है? आयनाइजेशन देखो, आयंस चेंज हो जाए। पहले यहाँ पे आयन आता है Br माइनस, जब इसका टेस्ट कराते हैं कौन आता है यहाँ पे Br माइनस आता, और यहाँ पे अब आयन कौन है, अब यहाँ पे आयन कौन है सल्फेट है, अब यहाँ पे आयन कौन है सल्फेट है, हाँ यहाँ पे आयन कौन है सल्फेट है, समझ आई बात? यहाँ पे आयन कौन है Br माइनस है, यहाँ पे आयन कौन है सल्फेट है। तो दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, दैट इज द मीनिंग। सॉल्वेट आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर सबसे इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमर इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमर्स इन केस वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, वाटर ही इन्वॉल्व होता है किसकी तरह, सॉल्वेंट की तरह। दिस इज सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर डिफर ओवर बाय वेदर और नॉट अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ मेटल। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेट आइसोमर का एग्जाम्पल देखो, ये रहा, दिख रहा है आपको, हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है बस सिंपल सी बात कि भाई एक वैलेंसी यहाँ पे अलग चल गई। अगर पानी के साथ ऊपर नीचे खेल करोगे तो वो आ जाता है सॉल्वेट आइसोमर्स के केस में, पानी के साथ अगर आप खेल करोगे तो, ठीक है। तो पानी के साथ अगर हमने खेल करा तो ये देखो यहाँ पे सी एल टू है, यहाँ पे सी एल टू है, यहाँ पे सी एल है, और ये आगे पीछे हो गया एच टू, अब अंदर पाँच हो गया, सी एल अंदर पाँच ये चल गया, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अच्छा ये आयनाइजेशन आइसोमर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा सल्फेट आयन का टेस्ट आ जाएगा, और इसमें कौन सा आ जाएगा क्लोराइड आयन का टेस्ट आ जाएगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम बेसिक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, मेनी अप्रोचेस कैसे बॉन्डिंग होती है कैसे, हाँ वही वही सॉल्वेट, हाँ हाँ सॉल्वेट हाइड्रेट, ये सॉल्वेट एक तरीके से वाटर आ जाता है तो ये केस हो जाता है, सिंपल सी बात यह है। बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे सबसे पहले बीबीटी, सीएफटी सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एमओटी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स कैसे होता है, कैसे कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं, तो मजा आएगा, आप देखते जाइए। असली असली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर अब स्टार्ट होता है। सो नाउ अब अपनी सीरियस हो जाएं थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इनको अच्छे से डिकोड करो, अगर S और P, sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 इन्वॉल्व होता है तो स्क्वायर प्लेनर, जो अभी अभी अपन ने शेप देखी थी इससे पहले। sp3d होता है तो tbb, sp3d2 होता है तो भी ऑक्टाहेड्रल, d2sp होता है तो भी ऑक्टाहेड्रल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कोबल्ट, कोबल्ट कोबल्ट का होता है एटॉमिक नंबर आपके पास 27, मतलब 3d7 4s2, 3d7 4s2। अब यहाँ पे बात चल रही है कोबल्ट प्लस 3 की, तो कोबल्ट प्लस 3 के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चा 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कोबल्ट प्लस 3 के पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कोबल्ट प्लस 3 के पास, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोबल्ट प्लस 3 के पास हुए तो अपन ऐसे भरेंगे इनको, 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अब आपको करना क्या है भाई, कोबाल्ट प्लस 3 लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, 6 लिगेंड को जगह देनी है, तो 6 जगह वेकेंट करनी है। तो हमने क्या करा है, इसको इससे पेयर करा दिया, इसको इससे पेयर करा दिया, तो ये अब ऐसा दिखने लगा, यहां से दो ऑर्बिटल खाली हो गए, यहां से डी ऑर्बिटल दो खाली हो गए, ये डी टू है, ये एस है, ये तीन पी है, तो तीन खाली हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, डी टू एस पी थ्री हो गया, एंड इस तरीके से पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पेयरिंग करो यहाँ पे नहीं करो, तो उसका भी केस है, जैसे यहाँ पे ये CO प्लस 3 एक और केस यहाँ पे दे रखा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे अगर मैंने पेयरिंग नहीं कराई, यहाँ पे अगर मैंने पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं कराई तो यह हो जाएगा sp3d2, ये एग्जाम्पल है CO F6 3-, CO F6 3- में यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 में, अगर पेयरिंग नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। तो पेयरिंग कब कराएं, पेयरिंग कब नहीं कराएं, तो पेयरिंग कराना और नहीं कराना आपके हाथ में नहीं है, वो है आपके यहाँ पे एक थ्योरी आती है, दैट विल बी एक, देखो सिंपल सी बात है, अगर इन्हें बोलते हैं जहाँ पे आपकी जैसे स्पिन देख रहे हो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए अगर पेयरिंग नहीं कराए तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है अगर पेयरिंग नहीं कराई तो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा है अगर पेयरिंग नहीं करा दो तो उन्हें बोलते हैं हाई स्पिन और फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लिगेंड को दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जहां पे पेयरिंग हो जाती है, जहां पे पेयरिंग हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होता है जो एकदम आसानी से सबको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे।
और वीक फील्ड लिगेंड वो होगा, वीक फील्ड लिगेंड वो होगा जो कि जिसमें पेयरिंग नहीं होंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब कौन स्ट्रांग फील्ड कौन वीक फील्ड, अब आपको पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, आप मुझे यहाँ पे बताओ सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, कार्बन करेगा नाइट्रोजन करेगा ऑक्सीजन करेगा या फ्लोरीन करेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे बच्चे कौन इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जल्दी से बताओ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन। समझ आ रही बात, बस कार्बन अगर जो अच्छे से डोनेट करेगा तो कार्बन किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, कार्बन कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, बस यही है, यही समझना है, यही हमें समझना है। तो वो मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अभी देखेंगे अपन, तो यही ये कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ अजम्पशंस आए कि भाई यहाँ पे क्या है जो वीबीटी थ्योरी है, ये अपने को क्या क्या, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे अभी तक, तो वीबीटी में क्या क्या अजम्पशन थे, बहुत सारे एक दो अजम्पशन थे, इनमें क्या था, कोई मैग्नेटिक डाटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में कोई बात नहीं, कोई स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं वीबीटी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और कौन टेट्राहेड्रल होगा कौन स्क्वायर प्लेनर होगा, यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, नो डिस्टिंग्विशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड एंड। तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे वीबीटी, तो इसको और मॉडिफाई करा गया और किसमें कन्वर्ट करा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, किसमें मॉडिफाई करा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, समझे बात को। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ नहीं, इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बनाया कि भाई यहाँ पे स्फेरिकल, मान लिए कि स्फेरिकल होते हैं आपके लिगेंड्स, और मेटल को जब जब वो अप्रोच करते हैं तो वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो मेटल में किस तरीके से रिपल्शन फेस करेगा मेटल के डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे दो तरीके से देखा जाता है, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल और एक होता है टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल के बारे में, तो ऑक्टाहेड्रल आपको पता है कि भाई डी ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, सॉरी डी ऑर्बिटल होते हैं आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है, आपको सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा ये तीनों के तीनों कौन से होते हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं आपके नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, और ये होते हैं आपके एक्सियल। तो होता क्या है बच्चों, जब मेटल अप्रोच करता है इन सबको, जब मेटल जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये अलग अलग डायरेक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो लिगेंड है वो डिफरेंट तरीके का अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स फेस करता है, जो लिगेंड है वो डिफरेंट तरीके का अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स फेस करता है, बिल्कुल भी, ठीक है, सब लोग मेरी बातों पे ध्यान दो, कमेंट पे कोई ध्यान नहीं देगा अभी, ठीक है, वेरी गुड। तो होता क्या है, देखो यहीं पे ये पॉइंट लिखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, जब 6 एंटिटी 6 लिगेंड, भाई ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आएंगे मेटल के सराउंडिंग में, सो देयर विल बी द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड, such a repulsion is more when the d orbital is directed towards the ligand than when it is away from the ligand, the dx square minus y square dz square orbital which points towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in energy, and dx y dy z are directed so it is lower in energy, kaun sabse zyada repulsion face karta hai, jo axial hote hain, जब 6 लिगेंड आते हैं कौन सबसे ज्यादा फेस करता है, जो एक्सियल होते हैं, एक्सियल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो जो अगर रिपल्शन ज्यादा फेस करेंगे, देखो ये मेटल आया, मेटल ने लिगेंड को अप्रोच करा, तो देख रहे हो आप जो रिपल्शन ज्यादा फेस करें ये रहे एक्सियल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये है डी जेड स्क्वायर, तो ये रिपल्शन ज्यादा फेस करे तो ये अलग हो गया, स्प्लिट हो गया, ये तीन ये हो गए यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये नॉन एक्सियल है, तो ये हो गया टी टू जी, ये हो गया ई जी, ये हो गया टी टू जी, ये हो गया ई जी, ठीक है। इसको ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका मैं एक और बता देता हूँ, टी टू जी में कितने मतलब सिंबल्स या आपके नंबर्स प्रेजेंट है, तीन नंबर है, तो मतलब तीन ऑर्बिटल आएंगे, कौन कौन से होते हैं तीन ऑर्बिटल एक जैसे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ई जी मतलब दो ही हैं, दो ही अल्फाबेट है, तो दो दो ऑर्बिटल आएंगे डी के,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, याद करने का तरीका, मतलब दिमाग में रखने का तरीका। समझ आई बात? समझ आई बात? निंजा टेक्निक समझ आई? निंजा टेक्निक समझ आई? यस और नो? सब लोग जिंदा हैं या नहीं है एक बार कमेंट में यस और नो बोलेंगे भाई। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बस 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 बस, ओके ओके ओके, वेरी गुड। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो एक बार वापस से मैं समझाता हूँ। देखो मेटल है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो डी ऑर्बिटल मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं भाई, छह लिगेंड आ रहे हैं उसको देखते हुए कि भाई हम छह लिगेंड आ रहे हैं तुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। तो होता क्या है, जो डी ऑर्बिटल है वो दो केस में स्प्लिट होता है। ये होते हैं कुछ नॉन एक्सियल वाले, कुछ होते हैं एक्सियल वाले। बट होता क्या है, जब भाई लिगेंड तो हर जगह से सेम साइड से अप्रोच कर रहा है, बट होता क्या है यहाँ पे कि जो एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो एक्सियल पे प्रेजेंटेड डी ऑर्बिटल्स, वो ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन फेस करते हैं फ्रॉम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। तो इस वजह से यहाँ पे जो पांच डी ऑर्बिटल पहले अपन बोलते थे कि ये पांच डी ऑर्बिटल पहले क्या थे, डी जनरेट थे। क्या थे? डी जनरेट ऑर्बिटल, मतलब सेम एनर्जी लेवल पे है, ये नहीं रह पाते हैं। दो अलग हो जाते हैं, तीन अलग हो जाते हैं। इनमें से दो क्या होते हैं, इनमें से दो ये ऊपर हो जाते हैं, ये दो ऊपर हो जाते हैं और ये तीन नीचे हो जाते हैं। समझ आई बात? समझ आई बात? क्लियर है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो डी जनरेट लेवल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड सीएफएससी। तो अब क्या होता है, ये एनर्जी लेवल जीरो है, यहां से एनर्जी कितनी बढ़ गई, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ ऊपर एनर्जी कितनी बढ़ गई, यहाँ ऊपर एनर्जी बढ़ गई 3/5 डेल्टा नॉट, और कितने से कम हो गई, 2/5 डेल्टा नॉट से कम हो गई जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो T2G विल बी डिक्रीज बाय, भाई यहाँ पे पांच लोग एक साथ बैठे थे, लिगेंड आया धड़, लिगेंड ने आया धड़, इस पे सीधा अटैक करा, तो अटैक करने पे क्या हुआ, ऐसा हो गया ये एनर्जी लेवल। तीन ऑर्बिटल ऊपर पहुंच गए, दो नीचे पहुंच गए, है ना, तीन दो सॉरी अपोजिट हो गया, दो ऑर्बिटल ऊपर पहुंच गए, तीन नीचे पहुंच गए, दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, दो ऑर्बिटल ऊपर पहुंच गए और दो नीचे पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है? अब मैं ज्यादा मत घुमाऊं, मुझे नाचने पे मजबूर ना करो, मुझे डांस करना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, सो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी डेल्टा नॉट डिपेंड्स ऑन द कि अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी, कब ज्यादा होगी, तो ये स्प्लिटिंग कितना एनर्जी लेवल होगा, कब होगा, तो ये डिपेंड करेगा लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो कार्बन डोनर, जो कार्बन डोनर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे CO हो गया, CN- हो गया, EN हो गया, NH3 हो गया, EDTA, NCS, H2O, फिर ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए, वीक फील्ड लिगेंड हो गए, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गए, ये सारे के सारे कौन से हो गए, ये इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये होता है SFL, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दो पॉइंट्स है, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वहां पे पेयरिंग नहीं होती, देयर विल बी नो पेयरिंग बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज मोर। और यहाँ पे जो लो स्पिन, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वहां पे लो स्पिन होता है और वहां पे पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पे पेयरिंग होती है। तो अब आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे मान लो ये है, अब अपने पास D5, ये हो गए D5, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये दो केसेस है, ये इनमें मैं आपको समझा देता हूँ, ये दो केसेस है। अब मुझे D4 भरना है, यहाँ पे D4 भरना है मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और यहाँ पे D4 भरना है मुझे वीक फील्ड लिगेंड के केस में, ये है आपका T2G और EG। तो अगर मुझे यहाँ पे D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड भरना है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ऐसे भरा जाएगा, वीक फील्ड भरना है वीक फील्ड में ऐसे भरा जाएगा, वीक फील्ड में ऐसे भरा जाएगा। तो वीक फील्ड ये क्या होगा, दिख रहा है आपको, हाई स्पिन क्यों बोला, हाई स्पिन क्यों बोला इनको, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती इजीली, है ना, और यहाँ पे लो स्पिन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो जाती है, समझे मेरी बात, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है सबसे पहले T2G पूरा भरेंगे, फिर ऊपर EG में जाएंगे, और यहाँ पे इक्वली सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जाएंगे। समझ आई बात सभी को? क्लियर है? कोई पॉइंट, कोई डिस्कशन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी?
समझ आती है सभी को बातें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इन केसेस को यहाँ पे शो कर रखा है। और टेट्राहेड्रल, जब टेट्राहेड्रल एंटिटी बताते हैं तो बच्चों एकदम अपोजिट होता आता है। जब टेट्राहेड्रल होता है तो एनर्जी का केस एकदम अपोजिट हो जाता है। टेट्राहेड्रल के केस में नीचे आ जाता है 3/5 डेल्टा टी, ऊपर आ जाता है 2/5। ठीक है, वहाँ पे जो टी टू जी नीचे थे यहाँ ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे ई जी जो ऊपर था वहाँ पे यहाँ नीचे आ जाता है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो होता क्या है बच्चा, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा कलर शो करेगा, इट इज बेस्ड ऑन वॉट, इट इज बेस्ड ऑन दिस लाइन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान से पढ़ें, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्सॉर्ब। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्सॉर्ब। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपको याद रखने हैं, है ना, ये जो इसमें टेबल में गिवन है। तो कौन कौन से, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कलर इज जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, इफ ग्रीन कलर, अगर ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकलेगा, रेड कलर से शो होगा। ग्रीन कलर अगर एब्जॉर्ब करा तो रेड कलर से शो होगा। तो देखो येल्लो, येल्लो को अगर एब्जॉर्ब करा इन्होंने, येल्लो को अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब करा तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, वॉयलेट। ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करा तो रेड, ब्लू को करा तो येल्लो और ऑरेंज, अल्ट्रा वायलेट को करा तो पेल येल्लो एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके कलर शो होते हैं। और कलर शो, अच्छा ये बताओ मुझे, ये कंपाउंड कभी कलर शो करेगा क्या, ये कंपाउंड कभी कलर शो करेगा क्या? सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बना दिया, ये कभी कलर शो करेगा क्या? देखो कलर शो करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो अगर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस है वो कलर शो नहीं करने वाले, वो कलरलेस रहने वाले हैं, व्हाइट रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? व्हाइट रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है, जैसे टाइटेनियम है फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे टाइटेनियम है जो वॉयलेट कलर का होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम होता है 3D1। ठीक है, एंड द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ इट इज ई जी जो कि एम्प्टी है। अगर लाइट आती है ब्लू ग्रीन रीजन में तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन T21 से उठ के कहाँ चल जाता है, ई जी में चल जाता है। तो कलर किससे चेंज हो जाता है, इट अपियर्स नाउ, इट अपियर्स टू बी द कॉम्प्लेक्स, कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपियर्स टू बी वॉयलेट इन कलर, वॉयलेट। ब्लू ग्रीन लाइट आती है तो वॉयलेट कलर में ये दिखने लग जाता है। ये पॉइंट लिखा है, हाँ पैरामैग्नेट होना चाहिए, ये एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देखो ये रहा एग्जांपल कि भाई यहाँ पे अपन ने लाइट दी, इसको एनर्जी सप्लाई करी, तो ये ग्राउंड स्टेट में चुपचाप बैठा हुआ था, ये उचक के किधर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इस ट्रांजिशन की वजह से कलर शो हो गया, इस ट्रांजिशन की वजह से कलर शो हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए। और लिगेंड चेंज, लिगेंड लिगेंड चेंज होते ही ये देखो ग्रीन से ब्लू हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बढ़ते ही ब्लू पर्पल हो गया, ये वॉयलेट हो गया ग्रीन से। दिख रही है आपको ये सारी बात? इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईआईटी में आ चुका है, ये पढ़ लो, बस पढ़ना है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयन ऑकर फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉन्टेनिंग अबाउट 0.5 to 1% Cr+3 आयन्स D3 विच आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पोजिशन नॉर्मली by aluminium plus 3, we may view this chromium species as octahedral complex species into the alumina DD transition at the given centers give rise to the color. इसमें कौन सा होता है mainly, color क्या होता है in everyday ruby is aluminium oxide containing, कितना कौन होता है इसमें, chromium भी होता है इसमें, कौन कौन होता है, chromium भी होता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात ये मैं बता देता हूँ कि भाई जो ये जेम स्टोन्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं, सीआर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन एमरल्ड ये बहुत फेमस होते हैं, इन एमरल्ड Cr+3 आयंस ऑक्यूपाई साइट्स इन द मिनरल बैरल। ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमरल्ड है उसमें कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो होता है Cr+3। ठीक है, एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ बैंड्स इन द रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ नेमली येलो रेड एंड ब्लू।
येल्लो रेड एंड ब्लू कॉजिंग एमरल्ड टू ट्रांसमिट लाइट एंड ग्रीन रीजन। ये कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये लेके बना, ये ले जाओ आप लोगों के लिए गिफ्ट मेरी तरफ से, ये लो एक रूबी ले लो, एक एमरल्ड ले लो आप सब बच्चों के लिए, ठीक है? पेपर अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है? नाउ जो सी एफ टी पढ़ा, इसके भी कुछ लिमिटेशन है जो अभी अभी पढ़ा है। क्या क्या लिमिटेशन है सी एफ टी, बट सी एफ टी के सक्सेसफुल वाली बात क्या है? इट इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। हाउएवर देयर आर अजम्पशन दैट द लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस। इन्होंने क्या क्या अजम्पशन दिया था कि लिगेंड को क्या मानना है आपको? पॉइंट चार्जेस मानना है। क्या क्या मानना है लिगेंड को? पॉइंट चार्जेस मानना है। समझ आ रही बात? It follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect. Anionic ligand found are actually low end spectrochemical series. Further, it does not take account. It does not take account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. See, क्या हो गया भाई? ये नई टेक्स्ट बुक है? ये नई टेक्स्ट बुक नहीं है भाई, मैंने भी यही पढ़ी थी मैं जब क्लास 12th में था। ये सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, समझे? कोई नई टेक्स्ट बुक नहीं है। नया जब लगेगा, तुम पहली बार पढ़ रहे हो उसको नया बोलते हैं, दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो नया नहीं लगता है, नए की डेफिनेशन होती है, समझे? नया मतलब बहुत अलग चीज होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ये बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कंपाउंड, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग। सबसे फेमस है ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो समझनी है आप सभी को। मैं आपको समझा देता हूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे होती है ना। देखो कोबाल्ट सीओ क्या होता है क्या करें सर 15 डेज में प्लीज टेल। पढ़ाई करो बस, क्या करोगे और? 15 दिन ही है, ऐसे पढ़ो कि बस जो अभी तक 2 साल में नहीं पढ़े वो इन 15 दिन में पढ़ डालो अच्छे से। और बोलो, और कोई दिक्कत? सीओ क्या होता है? एक तरीके का आपका न्यूट्रल लिगेंड है। सीओ कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, दीस कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे टेट्रास कार्बोनाइल निकल, पेंटा कार्बोनाइल निकल, इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये आ जाता है MN डेका कार्बोनाइल मैंगनीज MN2CO10। तो ये रही इन सबकी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे एक होता है कंसेप्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग का, जो मैं आपको समझाता हूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग होता क्या है। देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू पहले भी समझाया, अभी वापस समझा देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, एक दोस्त है आपका इंडिया है, आपके पास इंडिया है, नेपाल है और चाइना है। इंडिया है, नेपाल है और चाइना है, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, ठीक है? इंडिया भी है, नेपाल भी है और चाइना भी है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। या इंडिया और चाइना ही ले लो, छोड़ो आजकल हॉट मैटर है, इंडिया चाइना ले लेता अपन, नेपाल को छोड़ते। अब सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, इस सिनर्जिक बॉन्डिंग को मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। इंडिया चाइना है ना, तो इंडिया ने कुछ अपनी कुछ, चाइना ने बोला कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा आप प्लांट लगाइए। किसके प्लांट लगाइए? थोड़े आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना पाए, उसके प्लांट लगाइए, ठीक है? हाँ चलो चलो चलो, तो इंडिया चाइना मैंने ले लिया है ना, इंडिया चाइना को ले लिया। तो इंडिया ने, ठीक है चलो, इंडिया ने हेल्प करनी चाहिए, ठीक है हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? तो अब ये हेल्प कब तक अच्छी रहेगी? ये हेल्प क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि इंडिया हमेशा चाइना की हेल्प करे? ये बॉन्डिंग कब अच्छी होगी ये बताओ मुझे, ये बॉन्डिंग कब अच्छी होगी? जब चाइना भी कुछ ना कुछ हेल्प इंडिया की करें, समझ आ रही है बात? ये बॉन्डिंग कब अच्छी होगी? ये संगठन, ये मजबूती, हमारे रिश्तों में मजबूती कब होगी? कि ऐसा नहीं एक के बाद इंडिया से चाइना ही जाओ, चाइना से इंडिया भी जाओ, चाइना वाले भी कुछ हेल्प करें, इंडिया इकोनॉमी के लिए कुछ फंड दे दिया सपोज, फॉर एग्जाम्पल। आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस, वेरी गुड, ये गिव एंड टेक। ये मेरी क्लासेस जो एकदम पूरे अच्छे से, जिसने 25 डे क्रैश कोर्स करा होगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। जो नहीं करा प्लीज डू दैट, 25 डे क्रैश कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है? ठीक है हाँ, तो
एक गिव एंड टेक रिलेशन विल बी बेस्ट, गिव एंड टेक रिलेशन विल बी बेस्ट। या फिर फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्मॉल किड्स होते हैं, आप भी कभी छोटे बच्चे थे, किसी हज़ार साल पहले आप भी कुछ छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो आप अगर बर्थडे पार्टी में जाते हो तो वो वहाँ पे क्या देते हो, आप गिफ्ट देते हो, तो फिर वापस से आपको क्या मिलता है, रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है ना, रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। तो यही 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 फंडा आपका किसका है, यही फंडा किसका है आपका, यही फंडा है आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग का, यही फंडा किसका है आपका, सिनर्जिक बॉन्डिंग का है। तो देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। इनके स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, इन सबके स्ट्रक्चर Mn2CO2 है, फिर हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए देखिए यहां पे होता क्या है, यहां पे होगा ये कोरोना पे ले दे के बाद हमेशा कोरोना पे एंड कर देते तुम लोग। हाँ चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जो यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई है, जो यहाँ पे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई है इसको समझिएगा। होता क्या है, जनरल क्या होता है, CO आपका क्या है, लिगेंड है, CO इज द लिगेंड यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है, CO इज द लिगेंड यू आर गोइंग टू हैव। अब मेटल ने क्या करा, लिगेंड का काम क्या होता है, डोनेट करना इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, कि भाई कार्बन ने मेटल को डोनेट कर दिया, कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, यही काम है इसका, ये दे दिए देखिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर दिया। बट होता क्या है, इसी के साथ साथ ये क्या करता है, जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें ये मेटल से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन आ जाता है। समझे मेरी बात। मान लो इंडिया है आपके पास, इंडिया है, अब इसको नेपाल भी ले लो और आप चाइना भी ले लो, इंडिया भी ले लो, नेपाल भी ले लो, चाइना भी ले लो। अब तीन केस वाला केस समझो, इंडिया और चाइना में, इंडिया पहले ये चीज़ नेपाल से कर रहा था, इंडिया पहले ये चीज़ नेपाल से कर रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल को दे रहा था, नेपाल इंडिया को दे रहा था, बट बीच में चाइना आया, चाइना ने कहा नहीं, सबसे पहले क्या हो रहा था, ऐसा समझो इंडिया हर एक चीज़ धीरे धीरे करके नेपाल को दे रहा था, पर नेपाल कुछ भी नहीं दे रहा था रिटर्न में, पर इंडिया के पास चाइना है, चाइना कहने का तुम भी मुझे कुछ दो, मैं भी तुमसे कुछ दूंगा, तो फिर इस वाली बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस वाली बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस वाली बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस वाली बॉन्डिंग पे नेपाल के साथ, नेपाल के साथ रिश्ते खराब होंगे ना, यस और नो, क्योंकि इंडिया चाहेगा भाई चाइना से ही करो, क्योंकि अगर मैं उसका कुछ काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ बदले में कुछ दे रहा है, नेपाल तो यहाँ लेता ही जा रहा है। अंडरस्टूड द पॉइंट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, इसमें लिगेंड, ये जो लिगेंड था, यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन है आपका इंडिया, ये है आपका नेपाल और ये है आपका चाइना, समझ आई बात। तो इंडिया कार्बन में और इंडिया के बीच, चाइना और इंडिया के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो नेपाल के साथ थोड़े रिश्ते खराब होंगे नहीं होंगे, नेपाल के साथ थोड़े रिश्ते खराब होंगे नहीं होंगे, यस और नो, आई बात समझ में। बस तो अगर जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड लेंथ CO की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी से बताओ। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी तो बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए। अरे ये वाला गठबंधन तो कम होगा ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि दूरियां बढ़ जाएगी ना इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि इंडिया आप किससे बॉन्ड कर रहा है, कार्बन से, चाइना से बॉन्ड करने लग गया, नेपाल को उसने छोड़ दिया, फ्री रहो भाई तुम, तो इंडिया और नेपाल के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी ना, सो इंक्रीज हो जाएगी, ये है सीधा आपका सीधा आपको
कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूजेस दे रखे हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। इट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड केमिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने में, एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में, मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड एंड ऑल। इसके बाद इनको यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। द पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। इनको एक बार रीड कर लेते अपन, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज एज अ कैटलिस्ट इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है बहुत फेमस है, इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, वो होता है ये इस तरीके का कंपाउंड। आर्टिकल्स इलेक्ट्रोप्लेटेड, ये मेटलर्जी में आता है सिल्वर और गोल्ड को ये कॉम्प्लेक्स बनाने में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किससे होती है, ब्लैक एंड हाइपोसॉल्यूशन में, ये आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम होता है, तो ये रहा AgH2O3 कॉम्प्लेक्स आयन, ये बनता है, ठीक है। सो दैट विल बी इट, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अभी मेरी एक स्पेशल क्लास है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, जिसमें हमारा टेस्ट है जो रेगुलर होता है 3 PM पे, अभी आज है 3 PM पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, आपको फ्री क्लास है, फ्री फॉर एवरी वन ऑफ यू, मजा आएगा, जल्दी से आ रहे हैं, क्लास 12th का है, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। प्लस पे आ जाओ मुझसे पढ़ने, अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री रॉक सॉलिड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्लस पे आइए पढ़ने, और वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। और जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेंगे वहाँ पे, आपको यूज़ करना है कोड HJLIVE, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो को अपना प्यार दो बच्चों तक पहुँचाओ, फैलाओ, ताकि उनको भी हर एक चीज़ समझ आए, सबको फ्री एजुकेशन मिले, ये हमारा मोटो है, और आप अपने टारगेट में क्या हो सक्सेसफुल हो जाओ। थैंक यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।